अच्छा नमन है, इनकी उम्र 26 साल है और इनको दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है। लेफ्ट हिप की सर्जरी करा चुके हैं पिछले साल अगस्त में, 2018 में इन्होंने सर्जरी कराई है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। इनके राइट में भी दिक्कत है। नमन कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? झारखंड के सिमडेगा जिले से। कितने सालों से काम नहीं कर पा रहे हो? छह सात साल से घर पे ही? जी घर पे ही। तो कोई पढ़ाई या करियर कुछ भी नहीं? जी पढ़ाई हो रही थी, ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, फिर पार्ट वन में ही मतलब छोड़ दिया दर्द पेन की वजह से। इनके सिस्टर हैं, खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं। क्या दिक्कत है डेली एक्टिविटीज में आप देखते हैं, तो आपके ब्रदर को क्या क्या मेन परेशानियां आ रही? आप बताओ डेली एक्टिविटीज में क्या क्या दिक्कत है? डेली एक्टिविटीज में पेन रहता है, चलने में एकदम दिक्कत होती है, बिना सहारे के नहीं चल पाता। ऐसे ऐसे भी तो लेटरिंग टॉयलेट सबके लिए मतलब नीचे बैठने के लिए बहुत दिक्कत, मतलब इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ नहीं सकते, बैठ सकते। तो कैसे मैनेज करते हो अगर टॉयलेट जाना है? दीवार पे सपोर्ट ले लेते हैं एक हाथ से। अच्छा, तो इंग्लिश टॉयलेट नहीं आपके? हाँ तो जी, सीढ़ी चढ़ना है जैसे। हाँ सीढ़ी सीढ़ी मतलब हाथ में गए कोई सपोर्ट दे तो 5-6 स्टेप सपोर्ट लेके हाँ चढ़ चढ़ पाते। पाते। अगर आपको मान लो चलना है एक बार में, कितनी दूर चलना? बिना सपोर्ट के तो नहीं चल सकता, लेकिन सपोर्ट के साथ हाँ सपोर्ट के साथ में कम से कम 20 मीटर। 20 मिनट। इसमें सबसे बड़ी बात इस केस में ये है कि जहां पे इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है वहां ये डायग्नोज ही नहीं हो पाया कि पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एक्चुअली पेशेंट को ट्रीट किया गया एज एवियन, जबकि पेशेंट को तकलीफ है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। आपको हिप के अलावा और कहाँ कहाँ पे है? गर्दन में होती है, मुड़ने के लिए दिक्कत, पूरा मुड़ नहीं पाती है हाँ गर्दन? पूरा नहीं मुड़ पाती, फिर कमर में भी है झुक नहीं पाती, और शोल्डर पे भी दर्द है, हाँ उठाने में दिक्कत होती सुबह जब उठते हैं तो जकड़न होती है शरीर में। है। जी हाँ जकड़न होती है। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एवीएन में कभी भी पेशेंट की नेक स्टिफ नहीं होगी, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब पेशेंट सुबह उठता है तो उनको स्टिफनेस नहीं होगी। तो कितना जरूरी है पेशेंट की एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना और पेशेंट को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। तो एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब इनको शुरू हुई 5-6 साल पहले, जब ये टीनेजर थे, 19-20 ईयर्स के थे, अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करते तो शायद डिजीज इस हद तक नहीं पहुंच पाते। तो कंचन जी, आप क्या उम्मीद लेके हमारे पास आए? सोचते हैं कि अपने से चल पाए, अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग खुद से कर पाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जो दूसरी तरफ ऑपरेशन हुआ है वो एमआईएस टेक्निक से नहीं हुआ है, और उस ऑपरेशन के दौरान थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हुआ था। तो शायद हम नमन की वो इच्छा पूरी ना कर पाए कि ये जमीन पे बैठेंगे या चौकड़ी लगाएंगे, बट हाँ ये जरूर है कि ये बिना पेन के चल पाएंगे। इसके साथ साथ हम इनका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे ताकि बाकी जोड़ों में जो जकड़न है और जो पेन है वो ठीक हो जाए और ये एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। आ जाओ वापिस आ जाओ। आराम से आराम से।
चलो बेटा सोफे पे लेके जाना, बैठना है और अभी पेन ज्यादा हो गया। बैठ जाओ, बैठो सोफे पे बैठो। वहां पे 209 में चल रहा है। कोशिश करो जरूर सर, करो नहीं तो भाई देगा। ठीक है चलो जी। इनका दोनों हिप्स इन्वॉल्व हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से। जो इनका लेफ्ट हिप है ये इन्होंने रांची में ऑपरेट कराया था 10 महीने पहले। तो आप देख सकते हैं कि इनका नी पूरा नीचे जमीन पर बेड पर टच नहीं हो रहा है, जबकि राइट साइड जो आज हमें ऑपरेट करना है उसमें ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं है। तो इसका रीजन ये होता है कि हिप में एक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं, जो गैप रहता है, उसकी वजह से नी पूरा टच नहीं होता है। अगर हम मूवमेंट देखें लेफ्ट हिप की, रोटेशन अराउंड 20 डिग्री है और फ्लेक्शन भी लगभग इनका 70 डिग्री तक है, देख सकते हैं, उसके बाद नहीं जा रहा है। बाकी मूवमेंट्स इनकी अच्छी हैं, अडक्शन रिडक्शन अच्छा है। और दूसरी चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो शॉर्टनिंग है अबाउट 2 इंचेस। कुछ तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की वजह से है, अगर वो करेक्ट करेंगे तो वो भी नीचे आ सकता है, उसमें भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं राइट साइड की, जिसकी आज हम सर्जरी कर रहे हैं। फ्लेक्शन अराउंड 90, रोटेशन अराउंड, एक्सटर्नल रोटेशन है, इंटरनल रोटेशन बिल्कुल नहीं है। एक्सटर्नल रोटेशन अराउंड 10 डिग्री है, कोई फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं है। तो एक तरह से ये तो हम कहेंगे ये इजियर हिप है, ये आसान सर्जरी है। जो सर्जरी पहले हुई वो डिफ़िकल्ट सर्जरी रही थी। तो अभी हमारा पर्पज़ है कि हम इस हिप को ऑपरेट करके इसको पेन फ्री करें ताकि ये चल पाएँ अच्छे से। सर्जरी के 10 महीने बाद भी अभी भी ये सपोर्ट से चलते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। आई होप कि इस हिप को जब हम पेन फ्री करेंगे तो ये बिना सपोर्ट के चल पाएंगे। स्टार्ट, अगर हम लेंथ देखते हैं, लेफ्ट साइड जो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है तो इसकी लेंथ है अराउंड 86 सेंटीमीटर, 86.5। अगर हम राइट साइड का देखते हैं जो आज हमने ऑपरेट करना है, तो इसकी लेंथ है अराउंड 86.5। यानी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, ओनली प्रॉब्लम इसकी यहाँ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे पैर बराबर नहीं होंगे। तो इसको कैसे करेक्ट करना है ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा ट्रीटमेंट का। फर्स्ट पार्ट इज कि हम इसको पेन फ्री करेंगे राइट साइड। इज मच बेटर, पहले से बहुत अच्छा चल रहे हैं। हालांकि लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है और लेफ्ट हील में भी दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा सा जो चाल है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो हालत पहले थी सर्जरी से, उसमें उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले इंडिपेंडेंट चल भी नहीं पाते थे, सपोर्ट से चलते थे। वापिस आइए, आजे आजे।
ठीक है। तो नमन हमारे साथ हैं। 8 महीने के बाद सर्जरी जब इनकी हुई थी जून में, और इनकी जो प्री ऑप वीडियो में आप देखा ही है कितनी तकलीफ थी इनको, तो नमन कितना इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हो? पहले से बहुत ज़्यादा, 90% ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी चलने, अभी तो बहुत ही चल लेता। कितना चल लेते हो? 2 किलोमीटर ऐसा। अच्छा, उसमें कोई दर्द नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल तो दर्द सब पता नहीं चलता है, ठीक ही लगता है। वेरी गुड। और जब नमन हमारे पास आए थे, इनका डायग्नोसिस भी क्लियर नहीं था, इनका एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये भी क्लियर नहीं था, इनका एक तरफ का हिप रिप्लेसमेंट इन्होंने अपने ही स्टेट में कराया था जिसमें पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे, और इनके लेफ्ट नी में भी इश्यू है, लेफ्ट हील में भी इनका जो टेंडन है काफ़ी टाइट है, उसकी वजह से ये अभी भी थोड़ा सा लगा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे। नमन, बहुत सारे पेशेंट हैं आपकी तरह जी जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कराना नहीं चाहते जी। क्या कहना चाहते हैं? उन लोग को इलाज कराना चाहिए, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ठीक नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा से हो जाता है, ठीक हो जाएंगे, मतलब करा लेना चाहिए उन लोगों को। तो मैसेज इज वेरी क्लियर, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपकी जो एज है, जैसे अभी नमन है 26-27 साल के हैं, अभी अपना काम भी शुरू कर रहे हैं, दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, ट्रीटमेंट कराएं, गाइडेंस लें। आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, आपके मन में कोई डर है, कोई कंफ्यूजन है, हमसे बात करें, विल डिस्कस विद यू। आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने का सोच रहे हैं, तो हम आपकी सब बातों को क्लेरिफाई करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन हैं प्लीज हमसे शेयर करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो नमन, थैंक यू वेरी मच, आप इतनी दूर दोबारा हमसे मिलने आए हैं। थैंक यू।